अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ कि जो हमारे डेली बेस पर बनती ही बनती है। जी हाँ, इसका नाम है आलू की सूखी सब्ज़ी। जी हाँ, जिसका नंबर बार बार आ ही जाता है, और आलू जब तक ना खाएं जब तक हमारा दिल भी नहीं भरता। अमूमन हर घर में आलू तो बनता ही है, तो इसकी डिफरेंट रेसिपी अगर हमें बनानी आती हो तो क्या कहना। तो आइए बनाते हैं इसे मेरे स्टाइल में। इसके लिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 आलू लिए हैं, आधा किलो के करीब होगा। इन्हें बॉईल कर लिया था अच्छे से, और इन्हें छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से एक आलू के 4 टुकड़े कर लेने, इस तरह छोटे छोटे पीसेस काट के रख लेने हैं। उसके बाद एक कढ़ाई लेते हैं, और कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे तेल डाला है, और कुछ तड़के के लिए सामान निकाला है, जिसमें 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ है, 1/4 चम्मच राई, और 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई है। इन सबको जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो बिल्कुल स्लो आंच पे सारा आपको प्रोसीजर करना है, वरना अगर आप फ्लेम हाई रखेंगी तो ये सारे मसाले जल भी सकते हैं और उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। तो आप देख सकती हैं बिल्कुल स्लो पे फ्लेम है, और धीरे धीरे ये हल्का हल्का सा क्रैकल कर रही है और अपना फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ कर रही है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब बेसन। जी हाँ, बेसन को डालकर हमें अच्छे से भूनना है। बेसन यहाँ पर मसालों की बाइंडिंग का काम करेगा, और अच्छे से जो मसाले हैं वो हमारे आलूओं पे अच्छे से लिपट जाएंगे। एक तरह से आलू और मसालों का मेल मिलाप हो जाएगा। तो यहाँ पर लेते हैं कुछ सूखे मसाले, जिसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1/2 चम्मच लाल मिर्च तीखी वाली, 1 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला, और 1/2 चम्मच के करीब जो आलू का दम मसाला रेडीमेड आता है ना, किसी भी ब्रांड का हो आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे बेसन अच्छे से भून गया था, तो हमने अब ये स्पाइसेस ऐड कर दिए इसमें, और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। बेसन का कच्चापन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब थोड़े से हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल देंगे, क्योंकि सूखी सब्ज़ी में चिली फ्लेक्स बहुत अच्छे लगते हैं और इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो उसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल स्लो आंच पे इसे भूनते हैं। अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे क्या होगा ना कि सारे मसाले अच्छे से आपस में मिल जाएंगे और इनका एक फ्लेवर बहुत अच्छा सा जो एरोमा है वो आएगा, और फ्लेवर तो बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक गए, एक तरह का मसाला बनकर हमारा ये तैयार हो गया है। तो आइए हम आलू का मेल मिलाप कराते हैं, अच्छे से इन्हें गले लगवाते हैं। तो यहाँ पे आ गए हमारे आलू, और इन आलूओं को भी हमने इसमें मसाले में डाल दिया है, मेल मिलाप हो गया है। तो अच्छे से फिर इसे मिक्स करेंगे बहुत ही हल्के हाथों से, क्योंकि आलू बॉयल हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कस के ही से ही चलाएंगी तो हो सकता है आलू के पीसेस टूट जाएं। तो तोड़ना नहीं है इनको, बस इस तरह से खड़े खड़े ही रखना है ताकि देखने में अच्छे लगें, और आलू को थोड़ा सा कम ही बॉयल करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद 1/2 चम्मच के करीब यहाँ पे आमचूर पाउडर है खटाई, और 1/4 चम्मच के करीब है काला नमक। इसका फ्लेवर तो पूछिए ही मत क्या होता है, ज़रूर डालिएगा इसे, इसके मत करिएगा। और इस सब को भी डाल के अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, और अब आता है मेन इंग्रेडिएंट्स जो इसको की शान को बढ़ा देगा। तो जी हाँ, यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 चम्मच के करीब कसूरी मेथी, जिसको हाथों से अच्छे से क्रश कर दिया है, उसके बाद ही हमने इसमें मिलाया है। इसको डालते ही जो फ्रेग्रेंस आएगी, जो टेस्ट आएगा ना, लाजवाब टेस्ट आता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा आप। तो अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और 2-3 मिनट के करीब इसे हम इस तरह से धीरे धीरे चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे। बहुत ज़्यादा तो आलू तो पहले से कुक है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ गलाना वलाना तो है नहीं, बस अच्छे से मसाला आलूओं पर लिपट जाए, बस और क्या चाहिए। तो आप देख सकते हैं अच्छे से ये हो गए हैं, तो ये खाने लायक तैयार हैं। आइए इसे सर्व करते हैं। इसे सर्व करते टाइम मैंने ऊपर से थोड़ा सा, मेरे पास पुदीने का पाउडर रखा था, ड्राई जो सुखा कर रखते हैं ना, वो ऐड कर दिया है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर आपको अच्छा लगता हो तो डालिए, वरना ना डालिए, हरी धनिया भी डाल सकते हैं। मैंने कुछ डिफरेंट किया, सोचा पुदीना डाल दूँ। तो लीजिए, तैयार है आलू की सूखी सब्ज़ी। इसे आप पूरी के साथ और ख़ास करके कचौरी के साथ बेस्ट लगेगी। आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।